स्टूडेंट, आज आपके सामने फिर मैं फिजिक्स का पहले पार्ट का न्यूमेरिकल लेकर के आ गया हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी था कि सर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हल करवाइए जिससे कि हम पेपर में जैसे आता है उस तरीके से पेपर में क्वेश्चन भी रहे और क्वेश्चन के आधार पर हम वैल्यूज को पुट करें एंड फार्मूला उस पर हम बैठाएं, कौन सा फार्मूला सेट होगा, कैसे लगेगा और उसको कैसे हम काटें, क्या चीजें हैं, सारी चीजें समझा करके दिखाएं तो ठीक रहेगा। वैसे भी जो कैलकुलेशन चीजें होती हैं उसको मैं बताया हूँ, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं उसको आपका। वैसे भी मैं सभी के लिए साइंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो 9th में हो, 10th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, जो न्यूमेरिकल हल करवाते हैं उसका, जो मैं अभी करंट में क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, क्लास नंबर 1 हो गई है, 2, 3, 4, कम से कम 2 महीने उसकी क्लासेज चलेंगी। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं चाहे वो जिस क्लास में हो, उन एग्जाम्पल्स को, न्यूमेरिकल्स को अगर लगा लेगा तो समझ लो ये सारे न्यूमेरिकल भी उनमें फंस जाएंगे। तो इस तरीके से उसको भी वीडियोज देखते रहिए, साथ ही साथ 12th वाले अपने इसको भी देखते रहिए जो 12th में आपके करंट में जा रहे हैं, ओके। और इसमें हम सारी चीजें काट कर भी दिखाएंगे, वो चीजें भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमारा पहला काम ये होता है कि जो सवाल दी गई होती है उसमें चीजों को पहले पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और समझते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा फार्मूला फिट होगा, कौन सा किसका डेरिवेशन पर आधारित है लगभग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर, यहाँ पर अगर आप बात को पकड़ रहे हो देख लीजिए, 30 सेमी की दूरी पर, मतलब 30 cm दूरी पर है, क्या है, दो छोटे आवेशित गोले हैं, दो गोले हैं जो 30 सेमी की दूरी पर है और क्रमशः उन पर जो है इतने, एक यहाँ पर इतना कूलाम और इतना कूलाम, दो प्रकार का आवेश है, मतलब दो, एक यहाँ पर एक गोले पर इतना और दूसरे गोले पर दो आवेश है, आवेश समझते हैं, और उनके बीच का कितना बल लगे, मतलब वो जो गोले है ना उनकी दूरी भी दी गई है, दोनों पर आवेश भी दिया गया है, बट उस पर हमारा फोर्स जो बल है उसको ज्ञात करना है। हम एक ही चीजें लिखते जाते हैं जो जो चीजें हमें मिल रही है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो हमारा फसल फाइल नंबर 30 सेमी की दूरी पर जो है और आवेश देख रहे हैं, तो आवेश को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश हमारा है 2×10^-7, और इसी तरीके से Q2 देखते हैं तो हमारा है 3×10^-7, सी सी लिख देते हैं, मतलब कूलम। अब यहाँ पर और चीजें, अगर 30 सेमी की दूरी पर है मतलब उसके बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं और आर का जो मान है वो हमारा 30 cm है, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर में, तो 30 में हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यूनिट कन्वर्जन जो होता है, हमारे वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, यूनिट कन्वर्जन जरूर याद कर लीजिएगा कैसे कन्वर्ट होता है। छोटे से बड़े में जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको भाग करना पड़ता है, और बड़े से छोटे में आना हो तो हमें उसमें गुणा करना पड़ता है, किससे, जिसमें आपस में जितने भी और रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से उससे, जैसे कि हम सेंटीमीटर और मीटर की चर्चा करते हैं तो 100 से रिलेटेड रखता है आपस में, जो उसका रिलेशनशिप होता है वो 100 का रिलेशनशिप होता है सेंटीमीटर और मीटर का, तो उसी से हम गुणा करेंगे, उसी से भाग करेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर जो है वो छोटा है यूनिट के हिसाब से देखा जाए और मीटर जो होता है वो बड़ा होता है, सेंटीमीटर से मीटर में अगर हम जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें भाग करना पड़ेगा, इसका 100 का इसमें भाग करना पड़ेगा, और जब हम 30 में अगर हम 100 का भाग करेंगे, यहाँ पर नजर डालिए, 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, या आप दूसरे सिद्धांत समझ सकते, डबल जीरो का मतलब 1 2 अंक हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं, इस तरीके से। आप सोचिए कि यहाँ पर हम 30 भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाने से कोई महत्व नहीं रखता है, रखेंगे तो नहीं रखेंगे तो, अब यहाँ पर हमारा इसी एकदम ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, बात को समझे, मैंने 30 में 100 का हम भाग किया, भाग करने के लिए इसका आप चाहे जो भाग करते हैं उस तरीके से भी करें, बट आपको भाग उस तरीके से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो 100 है जितना जीरो हो उतना दशमलव इधर लेके आइए, आखिर दशमलव कहाँ पर रहता है, दशमलव बाहर रहता है किस जगह में, तो ये चीज हमारा यहाँ पर पहले मान को हमने कन्वर्ट कर लिया, मीटर में रख लिया। अब हम पहुंचते हैं कितना बल लगेगा, मतलब तो हम मान लेते हैं कि माना उसके बीच का बल, माना उनके बीच का लगा बल कितना है, एफ है, उनके बीच का बल कितना है, एफ है, क्योंकि हमको पता है कि एफ बराबर जो होता है वो हमारे फार्मूला के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको फार्मूला, ये अगर 12th पहुंचे हैं तो याद कर लीजिएगा, Q1 Q2 / r² ठीक, ये फार्मूला आपके पहले पार्ट में बहुत ही काम आएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र में, मतलब इसमें आप पार्ट में आपको बहुत ही काम आएगा, इस फार्मूले पर आपको रखना होगा, और इस पर हम रख लेंगे एक एक वैल्यूज को रखते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 का, तो 1 हमारा ये जो है इतना मान जो है ना इसका वैल्यू होता है कितना, 9×10^9, ये इसका वैल्यू है, मतलब 1/4π0 का मान है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये जो मान है ना ये इसका मान होता है, इसका जहाँ भी रहे रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा गुणा है, ये जो हमारा इंटू है इसको हम गुणा के रूप में भी समझ सकते हैं,
और यहाँ पर हमारा Q1 और Q2 अगर हम देखते हैं, Q1 और Q2 हमारा यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ जो लिखे हुए हैं, यानी 2 × 10⁻⁷ गुणा 3 × 10⁻⁷ ये हम इसको बटा में देखते हैं। आर का वैल्यू जो हमारा कितना है, यहाँ पर है 0.33, मतलब 30 वही चीज है। इसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रखते हैं। अब बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि इसको सर हम साल में यही नहीं कर पाते, यही तुम्हारी समस्या है। यहाँ पर सार करना इतनी ईजी होता है, आपको मैं बताता हूँ। हमें पहले, अभी अगर आप बेसिस से एंट्री कर रहे हैं तो आपको बेसिस में समझा रहा हूँ। आप क्या काम करिए, पहले जो संख्याएं होती हैं उनको आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है इसको हम अलग रख लेते हैं, 9 × 2 × 3, इसको हम एक कैटेगरी में रख ले रहे हैं, दिमाग रखिए पहले। उसके बाद हम इनको हम अलग कैटेगरी में रख दे रहे हैं, 10⁻⁹ × 10⁻⁷ × 10⁻⁷। अब इसको हम देखते हैं, इसको भी 2 घात बोला गया, मतलब स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे। अगर हम 0.3 का 2 बार करेंगे, दिमाग लगाइए कैसे ये हो जाता है। देखिए 3 × 9, अब 2 अंक पे दशमलव है, 1 अंक था, दशमलव यहाँ पर लगता है। बात समझ में आई? तो इसको आप मन में भी कर सकते थे, इसको आप मन में भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 0.09, ठीक, ये हो गया। कुछ चीजें सॉल्व हो गई है आपके लिए। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें बताते हैं। देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें 2 अंक पे दशमलव है, क्या 2 अंक पे दशमलव है। दशमलव हटाने का 2 रूल होता है, दशमलव हटाने का 2 रूल। या तो आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपका 0.5 है और इसमें आपको दशमलव हटाना हो, तो आप नीचे जितने अंक पर दशमलव हो उधर आप उतने अंक का, 1 अंक पर हो तो 10 का, 2 अंक पर हो तो 100 का, 3 अंक पर हो तो 1000 का, मतलब 1 लगाकर उतना 0 लगा दो जितना अंक पे दशमलव है। 1 अंक पर है तो 10 से भाग करिए, उसके विपरीत में, मतलब गुणा कर दीजिए विपरीत में, तो कहने मतलब भाग ही हुआ। अगर यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव होता जैसे यहाँ पर, तो आप 100 से गुणा कर दें उसके विपरीत में। अगर ये कंडीशन आपको, ये नीचे होता तो ऊपर कर लें, मतलब उस साइड नहीं, उसके विपरीत साइड, उसके विपरीत साइड आप क्या करिएगा, भाग कर लीजिएगा, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। या तो आपको क्या काम करना है, जितने अंक पर दशमलव हो उसमें आपका जो माइनस पावर हो, जो माइनस पावर अगर लीजिए उसके विपरीत में, अगर माइनस पावर हो ना तो क्या काम करिए, उसमें से आप कम कर दीजिए जितने अंक पर दशमलव हो, जितने अंक पर दशमलव उसमें से उतना पावर कम कर दीजिए, बात वही होगी, ठीक है। कंडीशन देखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो मुझे पता है कि यहाँ पर 10 की घात मतलब 100 हो, 100 को मतलब आप 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा। इससे आपने गुणा किया तो आप बताइए 10 घात ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसमें से तो कम ही होगा, इससे अच्छा ही माइनस वाला ही कम कर देंगे, दशमलव हमारा हट जाएगा। समझने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये 9 है, ये 9 × 2 = 18 है, चाहे तो 9 से 9 काट। इसका दशमलव हमने समझ लिया कि यहाँ से हमने 2 पावर इसमें कम कर दिया, किसी में से 1 पावर हमने यहाँ पर माइनस में नहीं, इसमें से किसी भी माइनस वाले पावर में से किसी में से भी 2 पावर हमने कम कर दिया और ये हमारा दशमलव खत्म हो गया। तो बचा यहाँ पर 9, क्या बचा है यहाँ पर 9, और 9 से 9 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बात को समझे, अगर ना जो बच्चे समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 अंक पे दशमलव है तो मैंने माइनस पावर में से 2 कम कर दिया, मतलब यहाँ पर 5 बचा हुआ है माइनस। अब ये दशमलव हट गया तो 9 ही बचेगा और 9 से 9 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 2 × 3 = 6 आ गया, कितना आ गया 6, और गुणा यहाँ पर चेक करिए, अब इसमें 5 है, इसमें 7 है, 7 और 5 = 12 क्योंकि दोनों निगेटिव है। अब दिमाग लगाइए ये 12 हो जाएगा और ये 9 क्या है, प्लस में है, और ये 12 किस में है, देखिए ये आपका 9 प्लस में है और 12 वाला हमारा किस में है, माइनस में, ये दोनों घटेंगे तो 12 में से 9 घट जाएगा, बचेगा इसमें कितना 3, तो इसका मतलब 10⁻³ बचेगा, कितना बचेगा 10⁻³। तो अब बताइए इसमें 10 की घातें जो थी, क्या आपके लिए कोई इसमें बचा हुआ है अभी, आप देखिए दिमाग में कुछ बचा, हमारे हिसाब से तो कुछ बच नहीं रहा है, हमारे हिसाब से तो कुछ बच नहीं रहा है, लगभग सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो गई है। दूसरा हिसाब से इस तरह से 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54 कर सकते थे, ठीक, तो 18 × 3 = 54 करते और गुड़ा इसको करते, ये 7 × 7 = 14 होता, 14 में से 9 जाता, तो अब दिमाग लगे 14 में से अगर 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 घात यहाँ पर हमारा बचता कितना, -5, और यहाँ पर हमारा 0.09 आता, इसको हम दशमलव हटाते तो 54 × 10⁻⁵ × 10⁻² इस तरीके से हमारा 9 होता, फिर 9 × 6 = 54 आता, 5 में 2 जाता तो इसमें -3 आता। बात तो वही हुई ना, किसी तरीके से करें तो ये सरल चीजें होती हैं, आप इसको पहले सीखिए, डेली अप्लाई करिए, और इस तरीके से लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग बैठा के लगा दो। तो ये चीजें थी, तो ये सवाल और लगा देते हैं क्योंकि समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से हो जाएंगी।
टाइम लग जाएगा। 10 वाले में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करेंगे, जितना अच्छा कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सारी चीजें हम लेकर के आएंगे। अच्छा लगे तो जरूर कुछ ना कुछ करना, प्लीज रिप्लाई जरूर करना कुछ। ओके चलिए दूसरे सवाल नोट कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो दूसरे सवाल आपके सामने है, एक बार आप देखिए इसको, पूरा पढ़िए सवाल, यहां पर सवाल लिखी हुई है। इसको पढ़ने के बाद आपको सेम इसी तरीके कंडीशन आपको अप्लाई करना है। जैसे देखिए कि इतना लिखा है 0.4 म्यू सी, म्यू मतलब माइक्रोन, जो हमारा माइक्रो होता है उसका वैल्यू जो आपको पता होना चाहिए 10^-6, वो अलग होता है जब यूज होगा बताएंगे भी। तो ये इतना आवेश यहाँ पर है, मतलब इतना माइक्रो कूलम, जीरो माइक्रो। अब इसमें था देखिए, इस तरीके से दिया गया था, 7 दिया था, तो यहाँ पर आपको म्यू मान दे दिया गया है। और आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य गोले आवेशित गोले के कारण, एक बोला जा रहा छोटे गोले पर कोई अन्य गोला, जो कोई एक और अन्य गोला है जो उसके कारण वायु में इतना न्यूटन बल, बल जो है इतना न्यूटन बल दिया गया रहा है, इसमें बल निकालना था, इसमें बल को दे दिया गया है, इतना न्यूटन बल लगता है, तो दूसरे गोले पर इतना म्यूसी आवेश हो, कह रहा है कि अगर एक गोले पर इतना म्यूसी बल है तो दूसरे गोले पर जो है इतना म्यूसी है, तो जब इस पर बल लगता है तो इतना बल लग रहा है, तो दूसरे गोले पर जो है तो पहले तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, और दूसरे गोले पर पहले गोले से अगर कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना है। पहले गोले का तो बल दे दिया गया है, दूसरे गोले पर कितना बल लगेगा उस गोले के, उस गोले वाले के हिसाब से इस गोले पर कितना बल लगेगा उस वाले गोले का दे दिया गया है, ये गोले का सूत्र तो वही सारी चीजें हैं। तो पहले क्या काम करना है, जो चीजें दी गई हैं उसको नोट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर नोट करते हैं सब चीजें, ये ऊपर वाली सवाल पहले की सवाल था, इसलिए आप ध्यान दीजिए, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ। तो हमारा सवाल में देख रहे हैं, सबसे पहले दिया गया है माना Q1, Q1 कितना है 0. इतना दिया गया है, इतना म्यू सी, ठीक, इतना म्यू सी। अब म्यू को बदलना सीखिए, 0.4 और गुणा म्यू का मान होता है 10^-6 C, ये हो गया। और Q2 का मान हम देखते हैं तो 0. कितना दिया गया है आपका, 8 सी, हमारा 0.8 गुणा 10^-6 C, ये सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो इतना आपका वैल्यूज हो गया, और इसमें क्या चीजें दी गई हैं, तो इसमें देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर इतना म्यूसी के बाद इतना बल दिया गया है, बल दोनों के बीच का जो बल है हमारा एफ देख रहे हैं 0.2 N दिया गया है, ये बल दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर इसकी दूरी निकालना, इसकी क्या निकालना है, इसकी दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल जो है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगी, तो लगाते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद देखे हैं, ठीक है। दूरी निकालना है तो फार्मूला वही होगा हमारा, एफ बराबर रखेंगे यही वाला फार्मूला 1/4 πε₀₀ × Q1 Q2 / r² यही रखेंगे। तो दिमाग लगाइए, यहाँ पर f की वैल्यू जो है आपका दिया गया है, f की वैल्यू दिया, r को निकालना है, तो आपको क्या काम करना है, चाहे आप पहले ही सूत्र को पलट लीजिए और चाहे बाद में r को निकालिए, तो बात एक ही होगी। तो हम r को यहाँ पर रखेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरीके से, r यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर जाएगा, f आपका यहाँ पर आ जाएगा, मतलब हमारा ये सूत्र जो है इस तरीके से बन जाएगा। देखिए r² = 1/4 πε₀₀ × Q1 Q2 / f, ठीक, अपान f बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इस फार्मूले पर अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, मतलब हम वैल्यूज को रखते हैं, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहला यहां पर आपका इसका मान रखेंगे, इसका मान हमारा होता है 9 × 10^9 गुणा, फिर Q1 और Q2 को देखते हैं, तो हमारा Q1 और Q2 यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं 1.4, ये 10^-6 गुणा 10 0.8 गुणा 10^-6 बटा, सभी का बटा कर दो, क्या दिक्कत है, ये ऊपर है वैसे भी ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0.2, ठीक 0.2 रख, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम काटते हैं, सारी चीजें करते हैं, देखिए एक बार में काम करना है,
ये 0.2 है, ये 0.8 है, ये 0.4 है, इनमें से दोनों में से चाहे जिसको काट दो कट जाएगा। दो से इसको काटो तो दो से इसको कट जाए, दो दूना चार मतलब 2.2 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव इसमें भी है दशमलव इसमें भी है, तो चाहे तो हम दशमलव से दशमलव भी काट सकते हैं, मतलब हमारा दशमलव दशमलव कैंसिल आउट, बचा है यहाँ पर हमारा दो। बात समझे, यहाँ पर बचा कितना, तो दशमलव दशमलव कर गए, दो दूना चार दो बच गया। अब यहाँ पर देखते हैं 8 है तो 8 दूना 16, पहले इसको 9 दूना 18, 9 दूना 18 करते हैं, 18 ये हो जाएगा ठीक। और उसके बाद 0.8 ये वाला है, यहाँ पर 0.8 ये वाला है, और अगर हम 10 की पावर वाला देखें, 9 यहाँ पर था और 6 6 यहाँ पर, 12 ये वाला हो गया, 12 में से 9 इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 3, 10 घात 3 माइनस यहाँ पर बचेगा। बटा में देखते हैं तो कुछ भी बचा नहीं, बटा में हमारा कुछ भी नहीं बचा है। अब 18 8 कितना होगा, 144 होगा, 18 8 कितना होगा, 144 होगा। और एक बात दिमाग लगाइए, 144 में दशमलव भी है, इसको दशमलव भी लगाना होगा, तो 18 8 144 दशमलव कितने अंक पर, एक अंक पे, क्योंकि इस दशमलव एक अंक लगा हुआ है, और गुणा 10 की घात -3 ये भी ठीक। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों के लिए होगी, क्या कंफ्यूजन ये होगी कि इसमें जो है ये आर स्क्वायर निकल रहा है, ये क्या है, ये सब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर निकालना है तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास एक काम और करना पड़ेगा, इसको पहले 4 घात में, क्योंकि 3 घात का वर्ग निकालने लगेंगे तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, 4 कर लीजिए उसको तब निकल जाएगा, क्योंकि जितना पावर होता है वर्गमूल निकालने पर उसकी आधी पावर हो जाती है, यह दिमाग लगाइए, या तो 2 करिए या तो 4 करिए, और अगर 4 कर देंगे तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, दशमलव कहानी भी खत्म हो जाएगी। सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 4 गुणा 10 की घात -4। अब यहाँ पर हमारा ये था आर का स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा √144 × 10 की पावर -4, और इस तरीके से 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और 10 घात का वर्गमूल इसका आधा हो जाएगा, तो आर बराबर इतना आ जाएगा, इसके बीच की दूरी आपका इतना आ गया। एक बार दिमाग में लगाइए, r बराबर इतना, ये 10 की घात 2 को, 10 की घात 2 यहाँ पर, अभी ये सब किस में आ रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, ये मीटर में, यहाँ पर तक मीटर स्क्वायर था, ये मीटर में हो गया। अब इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, सेंटीमीटर बदलेंगे तो r बराबर हो जाएगा कितना, 12 × 10 की घात -2, ये जो -2 था इसको हटा दो, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर अगर नेगेटिव में होता है तो इसलिए इसको हटा दो। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखते लिख सकते हो 12 cm, r बराबर 12 cm ठीक है। अब रही बात दूसरा, अगर हम कंडीशन देखते हैं कि इस पर, इस गोले पर कितना बल लगता है, इसी फार्मूले पर आपको यूज करना है, इसी फार्मूले पर आपको यूज करना है, कितना बल लगता है सारा चीजें आप यहीं पर रख देना, क्योंकि यहां पर आपका दूरी निकल गया है। अब F बराबर निकाल के लगा लीजिएगा, इस तरीके से निकाल लेंगे ना, तो जरूर ट्राई करिएगा, और F का वैल्यूज आप खुद कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, इसमें जगह नहीं है मैं नहीं लगाऊंगा, और मैं बता भी देता हूं क्योंकि मेरा यहाँ आर निकल गया। अब इस पर सभी चीजें निकल गई, क्योंकि आपको इसी फार्मूले पर लगाना है, F यही निकालना है, बाकी सारी चीजें यहाँ से मिल गई, लगाइएगा, और ना आए तो कमेंट करिएगा कि नहीं आया सर, आएगा जरूर अगर आप लगाते हैं तो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे की वीडियोज आपके लिए आती रहेगी, इंग्लिश और मैथ्स एकदम बेसिक चीजें, एकदम बेसिक चीजें हमारे यहाँ चैनल पर मिलती रहती है, जरूर 1000 से ज्यादा 1500 से ज्यादा वीडियोज पड़ी हुई है, जो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपकी प्लेलिस्ट 25 प्लेलिस्ट सेटअप किए हैं अपने मनपसंद, चेक करिए, तो सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम भी अच्छे से मैटर लेकर के आएंगे, क्योंकि अकेले हैं, एग्जाम की तैयारी खुद भी हमारी हो रही है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर भी अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छे से हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड लक।